हेलो एवरीवन, तो स्वागत है एक और क्लास में आपका। तो आज हम सीखने वाले हैं क्रिस क्रॉस मेथड्स। क्रिस क्रॉस मेथड काफ़ी यूजफुल होता है किन कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स यानी कि जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, कंपाउंड्स विथ आयनिक बॉन्ड्स, उनको क्या कहेंगे हम? आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड हो। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है, तब वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब ए और बी कंपाउंड बनाए, ए बी, लेकिन इस केस में क्या है, जो ए के पास इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? बी को, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस का, और इसके ऊपर माइनस का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने, और बी ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ये हो गया क्या अपने पास? आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर जो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी ए बी के बीच में, वो होगी आयनिक बॉन्ड। और ये ए बी है, ए बी क्या अपने पास? ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड यानी कि सी ए और सी एल। अब देखिए कैल्शियम किसका पार्ट है? ग्रुप टू का। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस टू। और क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो कौन सा चार्ज होगा? माइनस का 1। अब क्रिस क्रॉस में क्या होता है, जो ये चार्जेस हैं ये एक दूसरे के कॉफी सबस्क्रिप्ट में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम का आ जाएगा क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन का आ जाएगा कैल्शियम के नीचे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब? सी ए माइनस 1 और सी एल प्लस 2। अब देखिए फॉर्मूला में हम चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते, तो इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, जो भी प्लस माइनस है इसको हटा देते हैं। और 1 को इसलिए हटा दिया हमने, जो यहाँ पर ये 1 है, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, अगर आपने सी ए लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है कि ये सिर्फ एक सी ए है, ठीक है, एक यानी कि एक कैल्शियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इस चीज़ को लिख दीजिए, यहाँ से 1 को हटा देना है, क्या हो गया? सी ए सी एल 2। ये अपना फॉर्मूला हो गया किस चीज़ का? कैल्शियम क्लोराइड का। तो चलिए अब आप लोग एक प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, वो है आपको ट्राई करना है एल्युमिनियम ब्रोमाइड। एल्युमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखने का आप लोग ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब देखते हैं, एल्युमिनियम है यहाँ पर और ब्रोमाइड यानी कि बी आर, ए एल है आपके पास और बी आर है आपके पास। अब देखिए एल्युमिनियम किसका पार्ट है? एल्युमिनियम पार्ट है ग्रुप 15 का, और क्लोरीन पार्ट है ग्रुप 17 का। इसके ऊपर चार्ज है प्लस 3 का, और क्लोरीन के ऊपर माइनस 1 का। तो बस सीधा इसके ऊपर चार्ज लिखिए आप, एल्युमिनियम के ऊपर प्लस 3, ब्रोमाइड के ऊपर माइनस 1। जो चार्जेस है वो एक दूसरे के कोफिशियंट बन जाएंगे, ब्रोमाइड का जाएगा एल्युमिनियम के पास और एल्युमिनियम का जाएगा ब्रोमाइड के पास। तो ए एल माइनस 1 बी आर प्लस 3। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि जब फॉर्मूला लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, जो चार्जेस होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज़ को साथ में लिख दीजिए, और 1 अंडरस्टूड होता है तो इस पार्ट को भी हटा देंगे, तो क्या हो गया अपने पास? ए एल बी आर 3। एक इस चीज़ का फॉर्मूला हो गया एल्युमिनियम ब्रोमाइड का।
अब चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आप थोड़ी सी एक नई चीज सीखोगे, नई तो कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये है कि अप्रोच थोड़ी अलग होगी उस चीज की। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम किसका पार्ट है, ग्रुप टू का, चार्ज होगा प्लस टू इसके ऊपर। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन है, किसका पार्ट है, ग्रुप 16 का, चार्ज क्या है, टू माइनस। तो लिखो भैया सी ए और ओ, कैल्शियम के ऊपर प्लस टू चार्ज है, प्लस टू, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू। इसका इसके नीचे जाएगा, इसका इसके नीचे जाएगा सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, अब कैल्शियम माइनस टू, ऑक्सीजन प्लस टू। अब देखिए जब यहाँ पर सेम हो जाए ना, ये सबस्क्रिप्ट जब सेम हो जाए तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, यानी कि सी ए वन और ओ वन। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पर चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते और वन को अंडरस्टूड होता है अपने पास, तो क्या हो गया, ये हो गया अपने पास सी ए ओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है सी ए ओ। अब इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है अपने पास एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ठीक है, एल्युमिनियम यानी कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है, जिसके ऊपर प्लस 3 का चार्ज है। फॉस्फाइड यानी कि फॉस्फरस, किसका पार्ट है, सॉरी ये ग्रुप 13 का पार्ट है, ओके ग्रुप 13, और ये क्या है अपने पास ग्रुप 15। ग्रुप 15 के ऊपर कौन सा चार्ज है, 3 माइनस, या फिर माइनस 3 आगे लिख दो आप, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस 3 लिखा हुआ है। तो एलिमेंट्स हो गए अपने पास एल्युमिनियम और फॉस्फोरस। एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज है प्लस 3, फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज है माइनस 3। वही सेम टू सेम, दोनों एक दूसरे के सबस्क्रिप्ट बनेंगे, Al के नीचे माइनस 3, पी के नीचे प्लस 3, क्योंकि हम चार्जेस को कंसिडर नहीं करते हैं फॉर्मूला लिखते वक्त, तो इनको हटा दो यहाँ से। अब क्योंकि ये दोनों सेम है सबस्क्रिप्ट अपने पास, इसको सिंप्लीफाई कर दो, Al 1 पी 1। और ये चीज़ भी अंडरस्टूड है अपने पास कि 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al पी। ठीक है, ये एल स्मॉल है, तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम और पी फॉस्फोरस, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक्स, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स की। ठीक है, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड की, अब जो एक क्रिस क्रॉस मेथड है ये पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स पे भी लगता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कैल्शियम नाइट्रेट, जो ये सफिक्स है, ठीक है, एट या फिर आई टी ई, ये सब आपके पास पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा आपको। अब जो ये पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं, इसमें जो आयन्स होता है आपको उसके ऊपर जो चार्ज होता है, या तो आप उसको याद कर लीजिए या फिर अपने पास ये टेबल है एक, इस टेबल में आप देख सकते हो जितने भी अपने पास यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि एसीटेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, जितने भी यानी कि जिसमें मल्टीपल है, जैसे ये सिंगल है क्लोराइड, ये क्या है अपने पास मोनोएटॉमिक है, जिसके अंदर भी दो एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स है, मतलब पॉली हो गए यानी कि ज़्यादा हो गए। ठीक है, अगर कोई बाई भी है यानी कि जिसके अंदर दो है वो भी पॉली है, जिसके अंदर तीन है वो भी पॉली है। ठीक है,
तो सभी दो से लेके इन्फिनिटी हो जाए वो सब पॉलीएटॉमिक आए होंगे, ठीक है। और हमें देखना है नाइट्रेट, नाइट्रेट कहाँ पर है, ये रहा। नाइट्रेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस का वन, ठीक है। नाइट्रेट के ऊपर है चार्ज माइनस वन, तो अब चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ लिखते हैं सी ए और यहाँ लिखते हैं NO3 नेगेटिव, ठीक है। नाइट्रेट के ऊपर माइनस वन चार्ज है। और कैल्शियम किसका पार्ट है, ग्रुप टू का, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस टू, प्लस टू, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है आपको, चार्जेस को एक दूसरा का सबस्क्रिप्ट बनाना है, ठीक है। और ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पर, ये पूरे के ऊपर है, NO3 के ऊपर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी ए माइनस वन NO3 प्लस टू, ठीक है। अब क्योंकि चार्जेस को हम कंसिडर नहीं करते, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, क्या बचा अपने पास, सी ए NO3 का वोल्ट वाइज, ये हो गया अपने पास किसका फॉर्मूला, कैल्शियम नाइट्रेट का। अब चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अपने पास है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, सी ए, और फॉस्फेट होता है PO4। अब देखिए फॉस्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो इसके लिए हम चलते हैं नीचे इस वाले टेबल में, तो यहाँ पर बिल्कुल साइड में ये देखिए PO4 के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस का थ्री, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर माइनस का थ्री चार्ज। यहाँ देखिए कैल्शियम पार्ट है ग्रुप टू का, चार्ज है इसके ऊपर प्लस टू, यहाँ लिख दीजिए प्लस टू। जो भी इनके चार्जेस हैं वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, सबस्क्रिप्ट। क्या मिलेगा आपको, सी ए के नीचे मिलेगा माइनस थ्री और PO4 का सबस्क्रिप्ट क्या होगा, प्लस टू। अब क्योंकि हम चार्जेस को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसको हटा दो, और अब आपके पास ये क्या आ गया है, ये हो गया आपका फॉर्मूला Ca3 PO4 का वोल्ट वाइज, ये फॉर्मूला है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3 PO4 वोल्ट वाइज। चलिए कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अब सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में क्या है, Na और ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसका पार्ट है, ग्रुप 16 का, माइनस टू चार्ज है। सोडियम किसका पार्ट है, ग्रुप वन का, प्लस वन चार्ज है। क्रिस क्रॉस करो क्या हो जाएगा, Na के सबस्क्रिप्ट में आएगा माइनस टू, ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में प्लस वन। चार्जेस को हटा दो, और जो वन है इसको भी हम वन मानते हैं, तो इसको भी हटा दिया, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, Na2O, ठीक है। यहीं के ही मैं इसको ऐसे बता सकता था कि ये हो गया, लेकिन ये है कि इनको थोड़ा साथ में लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि ये Na2 अलग समझ लो आप और ऑक्सीजन को अलग समझ लो, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम किसका पार्ट है, ग्रुप टू का, यानी कि Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस टू,
ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस टू ग्रुप 16 में, तो एक दूसरे पे जाएंगे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पे, ठीक है, ये इसको फिलअप करेगा, ये इस पार्ट को फिलअप करेगा, तो क्या होगा, एम जी के सबस्क्रिप्ट में आ गया माइनस टू, ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में क्या आ गया प्लस टू। चार्जेस को हटा देना है क्योंकि जो आपके सबस्क्रिप्ट हैं वो सेम है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप वन वन, और क्योंकि वन को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, मतलब मेंशन नहीं करते हैं उस चीज़ को, तो ये क्या हो जाएगा एम जी ओ, ये फॉर्मूला हो गया आप लोग आपका किसके लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। अगला एग्जांपल है आपके पास कैल्शियम नाइट राइड का, ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास कैल्शियम और नाइट्राइड के लिए, ये टेबल देखिए, इस टेबल में यहाँ पर क्या नाइट्राइड, नाइट्राइड के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस का थ्री, तो एन के ऊपर कौन सा चार्ज है माइनस का थ्री, और कैल्शियम ग्रुप टू का पार्ट है तो प्लस टू। कोफिशियंट को सब्सक्रिप्ट में ले जाओ एक दूसरे के, कैल्शियम का सब्सक्रिप्ट हो जाएगा माइनस थ्री, नाइट्रोजन के सब्सक्रिप्ट में आएगा प्लस का टू, क्योंकि चार्जेस को हम हटा देते हैं, तो चार्जेस को हटाया Ca3N2, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके पास कैल्शियम नाइट्राइड का। अगला है अपने पास एल्युमिनियम एल्युमिनियम नाइट रेट, एल्युमिनियम और यहाँ देखिए नाइट्रेट, ठीक है, NO3 के ऊपर कौन सा चार्ज है माइनस वन, NO3 के ऊपर माइनस वन, ठीक है, और एल्युमिनियम किसका पार्ट है ग्रुप 13 का, चार्ज क्या है प्लस थ्री, एक दूसरे के सब्सक्रिप्ट में जाएंगे क्या हो जाएगा Al-1 NO3, NO3 को पैरेंथेसिस यानी कि कॉलम में ब्रैकेट के अंदर डालना है, ये पूरे के ऊपर चार्ज था, ठीक है, माइनस वन, यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया था ये पूरे के ऊपर चार्ज था, तो इस पूरे के सब्सिट्यूट में क्या आएगा प्लस थ्री, क्योंकि चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते तो इसको हटा देना है, और वन को हम वैसे नहीं मानते, मतलब मैंशन नहीं करते, तो उसको भी हटा देना है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास Al ब्रैकेट में NO3 का थ्राइस, ये हो गया फॉर्मूला किसका अपने पास एल्युमिनियम नाइट्रेट का, एल्युमिनियम NO3 का थ्राइस। अगला एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम सल्फेट का, सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, और कैल्शियम कौन सा है ग्रुप 2 का एलिमेंट, इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज, SO4 के ऊपर माइनस 2 चार्ज, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको यहीं लिख देते हैं हम माइनस 2, और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, और ये प्लस इसके SO4 के कोफिशियंट में आएगा, तो यहीं के यहीं कर दो प्लस 2, ठीक है, ओके, तो आपने इस चीज़ को यहीं मेंशन कर दिया है, और क्योंकि हम चार्जेस को हटा देंगे यहाँ से, तो चार्जेस को हमने हटा दिया, अब क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन और वन हो जाएगा, अब क्योंकि वन को हम लोग मेंशन नहीं करते तो उसको भी हटा देंगे, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaSO4
ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। अब लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला है अपने पास सोडियम फॉस्फेट। सोडियम यानी कि Na और फॉस्फेट यानी कि PO4। फॉस्फेट के ऊपर चार्ज होता है माइनस का, देखिए माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3, और Na के ऊपर चार्ज होता है प्लस 1, ठीक है। अब ये चार्ज जाएगा यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में और ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर लिख देते हैं हम इसको, प्लस 1 और सॉरी प्लस 3, सल्फेट का चार्ज आएगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है। और क्योंकि चार्जेस को नहीं लिखते हैं तो इसको हटा देना है, और 1 वैसे नहीं माना जाएगा तो मतलब लिखेंगे नहीं 1 को। तो सोडियम फॉस्फेट का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, Na3 PO4। ये क्या हो गया, ब्रैकेट में लिखना है इसको, ठीक है, PO4 ब्रैकेट। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।